हमारे थी पल्लवी भारती, जिन्होंने बताया यहाँ की कला संस्कृति के बारे में, और साथ ही साथ ये अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आई है एक नृत्य प्रतियोगिता में। और हम इनसे जानेंगे पल्लवी भारती से। पल्लवी भारती जी, आप बताइए कि यहाँ के जो, यहाँ जो झारखंड के जो नृत्य नृत्य है, नाट्य नाट्य डांसिंग है, उस डांसिंग का एक स्टेप पर दिखा सकते हैं आप? हाँ, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के डांसेस हुए थे जी, जिनमें से हर हर स्टेप को देखने को मिला। तमिल में भी अलग स्टेप्स है, फिर पंजाबी में भी अलग स्टेप्स है। हमारा झारखंडी स्टेप तो हमें पता ही है झारखंड में क्या। आप सारे स्टेट का डांसर दिखा सकते? पहले ये झारखंडी का स्टेप, हमारा ये ऐसे ऐसे, या फिर पंजाबी और फिर राजस्थानी। ये थी पल्लवी भारती, जिन्होंने यहाँ के कुछ राज्यों के डांस करके दिखाया। मतलब ये इस महोत्सव में, इस 23वें राष्ट्रीय महोत्सव में आना इनका सफल हो गया। इन्होंने बहुत कुछ, पल्लवी भारती ने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा, और अलग अलग राज्य से जो संस्कृति है, ये जो कल्चर है यहाँ अलग अलग राज्यों से, इन्होंने बेखूबी तरीके से पे अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया, और इन्होंने बेहतर ढंग से सब कुछ सीख करके कोचिंग चलाती है, कोचिंग चलाती है। और को कुछ आप करते हैं क्या पल्लवी भारती? हाँ, बहुत। बताइए क्या करते हैं, बताइए। हमने यहाँ पे डांस किया। और किसी ने पार्टिसिपेट? तो पल्लवी भारती एक ऐसी कलाकार हमें इंडियन न्यूज की लगी कि जिन्होंने यहाँ आकर अपने समय को गंवाया नहीं, इंजॉय भी किया, मस्ती भी की, और साथ में अपने कल्चर को इन्होंने प्रेजेंट किया और दूसरों को कल्चर को भी सीखा। पल्लवी भारती जी, आप बताइए कि आप अभी किस क्लास में? मैं थर्ड ईयर में हूँ, देवघर के सत्संग कॉलेज में पढ़ती हूँ। अपने नृत्य के साथ साथ अपने क्या क्या अचीवमेंट अपने जीवन में, अपने लाइफ में अचीवमेंट किया है, उस अचीवमेंट के बारे में बताइए। बहुत कुछ किया है, और कुछ भी अगर मिले सीखने के लिए तो मैं उसे छोड़ती नहीं। अगर कोई, अगर इंसान कोई सिखा रहे हैं, उसको जल्दी से कैसे सीखना है वो कैच करना है। और ऐसे मैंने बहुत सारा यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, पर इस बार मुझे नेशनल यूथ फेस्टिवल का चांस मिला। आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे आई, इतने बड़े कैंप में आने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे अलग अलग स्टेट से जो डांसर्स आए थे, उन लोग से सारा स्टेप सीखने को मिला, और मुझे थोड़ा डांस में इंटरेस्ट है। और हमारा क्लास जैसे डॉल्फिन डांस अकेडमी देवघर में है, तो हम लोग उसे क्लास करवाते हैं, तो हमें कुछ सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे कि अगर कोई मुझे सिखा रहे दो स्टेप्स, तो मैंने उसे जल्दी जल्दी कैच कर लिया। तो हर स्टेज से मैंने एक एक स्टेप सीख रखी है, जिसने जैसे ऐसा ऐसा स्टेप सिखाया, सबसे मैंने स्टेप सीखा। जैसे राजस्थानी वाले स्टेप से जो आए थे, वो लोग राजस्थानी स्टेप बताया हम लोगों को। पंजाबी वाले आए थे, तो पंजाबी स्टेप बताया, सारा स्टेप बताया, हम लोगों ने सारा किया, बहुत मज़ा आया। और हमारे यहाँ के जितने फ्रेंड लोग हैं, उन लोगों को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि आज हम लोग लास्ट टाइम है, हम लोग जाने वाले हैं। तो ये थी हमारी पल्लवी भारती, जिन्होंने इस महोत्सव का, भारत से सर्वजन की जो महोत्सव आयोजित की गई, भारत सरकार खेलो युवा मंत्रालय द्वारा, सह योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह महोत्सव का आयोजन किया गया। वाकई में पल्लवी जी का जोश और उत्साह बता रहा है, युवाओं का उत्साह बता रहा है कि यह महोत्सव का सफल होना तो तय था, हो ही गया। आज ये समापन समारोह की ओर हम लोग और चले गए हैं। पल्लवी जी, आपको कुछ यहाँ की जो अब लास्ट मोमेंट है, आज आप लोग को जाने का मोमेंट है, तो पल्लवी जी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो जाने वाला मोमेंट, आप क्या आप फिर रोएंगे आज? आप सारे फ्रेंड्स लोग हैं, तो फिर सब अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, उन लोगों के पे इतना है कि ऐसा नहीं लगा कि कभी, मतलब अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, सबों के साथ बात किया तो अपने जैसी फीलिंग आई। और यहाँ तक कि मम्मी पापा का याद भी नहीं आया, मैं खुद से माँ को फ़ोन भी नहीं करती थी, वही उधर से फ़ोन लगाती थी, वे बोलती थी मैं ठीक हूँ, खाना खा लिए, सब कुछ हो गया ठीक से। और फ्रेंड लोग तो टाइम देते नहीं थे, उन लोगों के से बीच टाइम नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है अब आगे। हम लोग अभी बिछड़ने वाले हैं, थोड़ी कुछ समय तक अभी हम लोग साथ में हैं, और सब कोई अभी आपस से बिछड़ जाएंगे। ऐसे अलग अलग स्टेट से जो आए वो लोग तो बिछड़ ही जाएंगे, और हमारे स्टेट से भी कुछ कुछ लोग थे जो हमारे सब अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, उन लोगों के साथ हम लोगों को रहना था, साथ में रहे, बहुत
बहुत इंजॉय किए, अब बहुत बहुत दुखद घड़ी आ चुकी है जो अब हम लोग के कुछ मतलब नज़दीक है, एक घंटे या दो घंटे में हम लोग एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। हाँ, ये थी पल्लवी भारती जिन्होंने बताया अपने कल्चर के बारे में, नृत्य के बारे में। ये नृत्य की दुनिया में अलग पहचान बना रखी है इन्होंने, और साथ में इन्होंने राष्ट्रीय इतना बड़ा मंच में आने का मौका मिला, तो इसके लिए